नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और इसका आज हम पढ़ेंगे भाग 21 यानी कि पार्ट 21। इसके पहले 20 पार्ट आपके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो सीरीज है आपको काम आने वाली है सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि जहां पे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले। ये लिंक है, इससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले मुख्य रूप से तरलता, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी, बाजार की जो तरलता है, मुद्रा की तरलता है, ये जो इसके प्रकार है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसको मापने के तरीके कौन कौन से होते हैं, चार तरीके बताए गए हैं, वो हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्रेसन्स का नियम जानेंगे, मुद्रा का मूल्य उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, अवमूल्यन क्यों होता है, वो हम देखने वाले हैं सारी चीज। तो लेक्चर जैसे एंड होगा ये सारी चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लेक्चर में एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले बात करते हैं तरलता की यानी कि लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी होती क्या है वो हम शॉर्ट में जान लेते हैं। जैसे देखिए, कोई भी चीज होती है जैसे कि जो कि मुद्रा में सबसे जल्दी कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको लिक्विडिटी यानी कि तरलता बोलेंगे। मतलब खर्च होने में जो सबसे कम समय लगा है उसे हम बोलेंगे तरलता। जैसे कि देखिए, कैश होता है, तो कैश तो कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैश फटाक से आपका जो है खर्च हो जाता है, तो क्या सबसे अधिक तरलता किसकी रहेगी, कैश की रहेगी। फिर होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, चेक होते हैं, ये जो सिक्योरिटीज होती है, सब क्या है ये, इनकी तरलता एक के बाद एक, मतलब कैश की सबसे ज्यादा रहती है, फिर गोल्ड की, फिर ऐसे घटते जाती है, ठीक है। तो आप तरलता समझ गए होंगे, तरलता का मतलब होता है कितनी जल्दी वो खर्च हो जाए या कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लिक्विडिटी हमने देखे, लिक्विडिटी का जो अर्थ है वो क्या है, तरलता है। यदि बाजार में किसी चीज को जब हम खरीदने जाते हैं और उसकी उपलब्धता उपलब्धता या निरंतर बनी रहती है, तो उस वस्तु में पर्याप्त तरलता मानी जाती है। जैसे कि कैश हो गया, ठीक है, कैश को सबसे अधिक लिक्विड माना जाता है, जबकि प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो सभी अपेक्षाकृत कैसी होती है, कैश से कम तरल होती है, ठीक है। तो अब अगर देखें हम, तो तरलता जो होती है दो प्रकार की होती है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है, एक तो बाजार की तरलता होती है और एक मुद्रा की तरलता होती है, ठीक है। तो बाजार की तरलता की बात करें हम, तो देखिए बाजार में कितनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है उसके हिसाब से उसको तरल माना जाता है और तरल नहीं माना जाता। जैसे कि अगर पर्याप्त मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है तो उसे तरल माना जाएगा, और अगर ज्यादा मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है तो उसे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हमने पीछे पढ़े हैं इन्फ्लेशन में। और अगर कम की स्थिति आती है, मतलब अगर बाजार में कम हो जाती है मुद्रा, तो वो कैसी हो जाती है, मुद्रा अवस्फीति यानी कि डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर तरलता बढ़ेगी तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, तरलता घटेगी तो मुद्रा अवस्फीति बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीजें होती है यहाँ पर, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति। परंतु हम देखें मुद्रा के हिसाब से तरलता, तो कोई भी चीज खर्च होने में कितना समय लगा रही है, मतलब पैसा खर्च होने में कितना समय लग रहा है, उसके हिसाब से उसकी तरलता मापी जाती है। अगर पैसा खर्च होने में कम समय लग रहा है तो उसकी तरलता कैसी रहेगी, अधिक रहेगी, और अगर ज्यादा लग रहा है तो तरलता कैसी रहेगी, कम। तो हम देखिए, समय ज्यादा लग रहा है कोई चीज खर्च होने में तो मुद्रा कैसी है, तरल नहीं है। अगर समय कम लग रहा है तो मुद्रा कैसी है, तरल है। मुद्रा के रूप में अगर देखें हम, तो कैश जो है सबसे अधिक तरल मानी जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकता है, और एक प्रकार से हम गोल्ड बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं। तो ये सभी चीजें कैसे है, मुद्रा के रूप है, परंतु सबसे अधिक तरल किसे माना जाता है, कैश को माना जाता है। दो प्रकार की तरलता हमने देखे, कौन कौन सी, बाजार की तरलता और एक मुद्रा की तरलता, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे देखते हैं इसके लिए, देखो आरबीआई द्वारा 1997 में एक वर्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें बाजार में कितनी मुद्रा है इसे मापने के चार तरीके यहाँ बताए गए। तो चार तरीके कौन कौन से है, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 और M4। तो चारों को हम देखते हैं विस्तार से कि M1 के अंतर्गत क्या होता है, M2 और M3 और M4 के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले अगर देखें हम, तो M1 की बात करते हैं। M1 जो है, जो बाजार की तरलता मापने का पहला तरीका है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सभी प्रकार की कैश आती है। कैश मतलब जो कि लोगों के पास, जो आम जनता के पास है, वो कैश हम इसमें जोड़ लेते हैं। बैंकों के पास, आप देखिए आरबीआई और बैंक कैसे अलग अलग हो गए। आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक माना जाता है, और बैंक जो होते हैं जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक होते हैं जहां पर जमा होती है। जमा कैसे होती है, चालू खाते के रूप में हो सकती है, FD के रूप में, बहुत सारी चीजें
जमा होती है, तो यहाँ पे चालू खाते का जो भी जमा होता है बैंकों के पास वो कैश के अंतर्गत आ जाता है, और आरबीआई आरबीआई के पास जितनी भी जमाएं हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी, कैश के अंतर्गत। और ये सारी चीज किसके अंतर्गत आ जाएगी, M1। और M1 को हम सबसे अधिक तरल मुद्रा की श्रेणी में जानते हैं, ठीक है। सबसे अधिक तरल मुद्रा, सबसे अधिक खर्च होने योग्य कौन सी है, M1 है, ठीक है। अब यहाँ हम आगे देखें नेक्स्ट में M2 में, तो M2 में M1 में जितनी भी चीजें आई थी वो तो जोड़ ली गई है, ठीक है। साथ में पोस्ट ऑफिस का DD, डिमांड डिपॉजिट जो होता है, जो बचत खाते के जमाएं होती है पोस्ट ऑफिस डाकघरों की, वो इसमें प्लस कर ली गई है। तो M2 कैसा हो गया है, M1 से भी ज्यादा पावरफुल हो गया, परंतु इसकी मुद्रा के हिसाब से तरलता कम हो गई है, ठीक है। और बाजार की तरलता कैसी हो जा रही है, प्लस। क्यों? कि बाजार की तरलता का मतलब होता है बाजार में पैसा बढ़ रहा है, और बाजार में पैसा बढ़ रहा है तो कैसे, M1 में पोस्ट ऑफिस का DD भी जोड़ लिया गया ना, तो इसलिए बाजार में पैसा बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए क्या है वो, प्लस हो रहा है। और परंतु खर्च होने में कैसा हो रहा, कम, तो मुद्रा की तरलता माइनस हो रही है, ठीक है। अब M3 में क्या हो रहा है, M1 में जितना था वो जो जितनी जमाएं थी नगद वाली, ठीक है, उसके साथ में FD जोड़ ली जा रही है, किसकी, बैंक की। FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम सावधि जमा बोलते हैं, तो ये भी इसमें प्लस कर ली जा रही है। तो M1 जो था, M1 में बहुत सारी चीज थी, उसमें जमाएं थी, तो जो भी नगद था कैश उसमें FD जोड़ ली गई, तो साथ में क्या हो गया, वो M3 बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए, सबसे ज्यादा मतलब M1 जो है सबसे अधिक तरल माना जाएगा, और M3 जो है M3 तक बढ़ते बढ़ते वो तरल नहीं है मुद्रा के हिसाब से, पर बाजार के हिसाब से M1 जो है तरल नहीं माना जाएगा और M3 जो है तरल माना जाएगा। बाजार में पैसा कहाँ बढ़ रहा है, M3 में बढ़ रहा है, और M1 में कैसा था, कम था, तो बाजार के हिसाब से ये तरल माना जाएगा और बाजार के हिसाब से ये M1 तरल माना जाएगा, उल्टा चलेगा, ठीक है। अब लास्ट है M4। M4 तक आते आते ऐसी स्थिति आ जाती है कि खर्च करना मुश्किल हो जाता है मुद्रा को, इसलिए देखिए M3 में क्या है, M3 में M1 प्लस जो FD है बैंक की वो जमा है, परंतु इसमें फिर प्लस कर दिया गया क्या है, सभी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के, जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के वो सभी इसमें प्लस कर दिए गए। तो कैसा है, बहुत एक प्रकार से जटिल मुद्रा हो गई है, जो M4 है वो जटिल हो गई, तो खर्च करने योग्य नहीं बोला जा सकता है। तो इसलिए सबसे जो कम तरल है बाजार के हिसाब से M1 को बोला जाता है, सबसे अधिक तरल किसको बोला जाता है, M3 को। M4 को हम खर्च करने योग्य नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, जब M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो मुद्रा की तरलता घटती है और बाजार की तरलता कैसी होती है, बढ़ती है, क्योंकि M1 से M4 तक जाने पर पैसा बढ़ता है बाजार के हिसाब से। और मुद्रा अगर तरल माने जाए तो M1 मानी जाती है, और अगर बाजार के हिसाब से तरलता मानी जाती है तो वो बढ़ेगी, कब, M1 से M4 तक। संकुचित मुद्रा बोला जाता है, यानी कि छोटी मुद्रा बोला जाता है M1 को, और सबसे बड़ी मुद्रा बोला जाता है M3 को, क्योंकि M3 में देखिए आप M1 प्लस FD आ जाती है बैंकों की, ठीक है। तो इसको सबसे मतलब एक प्रकार से बड़ी मुद्रा और उपयोग करना आसान होता है, परंतु M4 तक अगर जाएंगे हम, तो M4 तक आते आते क्या होता है, इसको उपयोग करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। हमने मुद्रा के बारे में पढ़े थे, मुद्रा के बारे में कंप्लीट हमारा लेक्चर था, जैसे कि हमने धात्विक मुद्रा देखे, सिक्के से रिलेटेड, कागजी मुद्रा, नोट, प्लास्टिक मुद्रा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अधिभार मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा के बारे में देखे थे, संकुचित मुद्रा भी हमने देखे, M1 को हम बोलते हैं, बृहद मुद्रा किसे बोलते हैं, M3 को बोलते हैं। अब देख लेते हैं बैड मुद्रा, यानी कि बैड या खराब मुद्रा या बैड मनी। तो बैड मनी वह होती है जो कटे फटे नोट होते हैं, फटे नोट होते हैं, जो भी होते हैं वो सब कहलाते हैं बैड मनी के अंतर्गत। और गुड मनी किसे हम बोलेंगे, गुड मनी के अंतर्गत जितने भी फ्रेश नोट आए हैं, नए नोट, वो कहलाएंगे गुड मनी, यानी कि नए नोट को हम बोलेंगे गुड या अच्छी मुद्रा, ठीक है। हॉट मनी क्या होती है, हॉट मनी के अंतर्गत डॉलर आते हैं, यूरो आते हैं, और जो येन मतलब जापान की मुद्रा है, ये सारी चीजें कैसी होती है, हॉट मनी की श्रेणी में आती है। इसके अलावा हम देखें कोल्ड मनी, कोल्ड मनी के मतलब होता है ये इनकी मांग ज्यादा होती है, और इनकी मांग कैसी होती है, कम होती है, मतलब जिसकी मांग ज्यादा होती है वो हॉट मनी की श्रेणी में आते हैं, और जिसकी मांग कम होती है वो कोल्ड मनी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेसम्स का नियम, ग्रेसम्स ये जो है इनके बारे में हम देखें, तो यहाँ देखिए इन्होंने नियम बताया है कि बुरी मुद्रा यानी कि जो बैड मनी होती है, कटे फटे नोट जिनको हम बोलते हैं, वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। इनके द्वारा कहा गया है कि अलग अलग देश की मुद्रा अलग अलग जो है मुद्रा रखती है, अलग अलग देश की मुद्रा अलग अलग मुद्रा या अलग अलग मूल्य रखती है, ठीक है, ये जो है अलग अलग मूल्य रखती है, ठीक है।
किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका उत्पादन हिस्सा के आधार पर तय किया जाता है। मतलब जो मूल्य है उसका कैसे तय किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका उत्पादन या और उसका हिस्सा कितना है उसके हिसाब से उसका मूल्य तय किया जाएगा। जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं, मुद्रा का जो मूल्य है व्यापार से तय होता है, ठीक है, व्यापार से तय होता है, यानी कि व्यापार में उत्पादन किया जाता है और उत्पादन में खास करके निर्यात किया जाता है। अगर व्यापार किया जा रहा है और उत्पादन किया जा रहा है तो निर्यात होना जरूरी है, तभी उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और अगर निर्यात की नहीं किया जा रहा, उत्पादन तो किया जा रहा है, निर्यात नहीं किया जा रहा है और खुद के ही देश में उसको खपा लिया जा रहा है, यानी कि उपयोग कर लिया जा रहा है, तो क्या होगा, उसका जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है उसमें हिस्सा बहुत कम रहेगा। जैसे भारत की समस्या क्या है, उत्पादन बहुत अधिक होता है परंतु खुद की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वहीं पे उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी भूमिका कैसी है, कम है। जैसे हम देख सकते हैं यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका योगदान कितना है, 20%, 100% में 20% अकेले अमेरिका का है। और भारत की अगर बात करें, भारत की जनसंख्या कितनी सारी है अमेरिका से, कहीं ज्यादा, तो उसके बाद भी यहाँ पे देखिए 2%, क्योंकि जितना भी उत्पादन हो रहा है अपने भारत में ही क्या हो जा रहा है, पूरा कंजप्स यानी कि उपयोग कर लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ 2% योगदान है। इसलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि एक जो डॉलर है, एक डॉलर यूएस डॉलर हम बोल सकते हैं, हमारे देश के 70 रुपए के बराबर, लगभग 70 रुपए, 69.78 कुछ अभी वर्तमान में है, लगभग 70 के बराबर ही है, तो 70 रुपए का बराबर है। अगर हमारा जो है योगदान अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होता है तो ये कोशिश है कि ये 50 तक भी पहुंच सकता है, मतलब हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और डॉलर का कम हो जाएगा। परंतु अभी ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। हॉट मनी की श्रेणी में हम देख सकते हैं, देखिए डॉलर आ गया, यूरो आ गया, ये देखिए जो येन मुद्रा होती है जो कि विकसित देशों में चलती है, तो ये हॉट मुद्रा की श्रेणी में आती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं मुद्रा के मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो बाजार के द्वारा और एक सरकार के द्वारा, ठीक है। दोनों के बारे में हम देखते हैं, पहले देखते हैं बाजार के द्वारा। तो देखिए बाजार के द्वारा मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी जो मुद्रा है उसकी मांग के आधार पर किया जाता है और एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जिस दर पर बदली जाती है उसे क्या बोलते हैं, विनिमय दर बोलते हैं। जैसे कि 1 डॉलर बराबर 70 रुपए, तो ये क्या है, विनिमय दर मानी जाती है। मतलब अगर हम यूएसए से क्या कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो हमको डॉलर में उसको देना पड़ेगा और डॉलर के बदले में कितना देना पड़ेगा, 70 रुपए देना पड़ेगा। तो बाजार मूल्य, बाजार के द्वारा जो है मुद्रा के मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, कभी कभी सरकार मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम या ज्यादा कर देती है। जैसे कि देखिए मुद्रा के मूल्य को बढ़ावा दिया जाए यानी कि अधिमूल्यन, जैसे कि हमारी जो मुद्रा है उसका पहले 1 डॉलर बराबर 70 रुपए होता था, पर अभी जो है अधिमूल्यन किया गया है तो 65 रुपए हो गया है, और कम कर दिया जाए तो और अधिमूल्यन हो जाएगा, मतलब 50 रुपए कर दिया जाए तो डॉलर का रेट घट रहा है परंतु हमारी जो मुद्रा है उसका मूल्य को बढ़ावा मिल रहा है। मुद्रा का मूल्य को घटाना यानी कि 1 डॉलर बराबर जो है 75 रुपए होगा, तो ये अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। अवमूल्यन क्यों किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, निर्यात हो और बाहरी जो पैसा है वो हमारे देश में आए, ठीक है। ये दोनों ही दर जो होती है नियंत्रित मानी जाती है यानी कि कंट्रोल मानी जाती है, और ये सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। सरकार इस प्रकार से ऐसा करते रहती है कभी कभी। अवमूल्यन क्या होता है वो हम देख लेते हैं, देखिए अवमूल्यन क्यों किया जाता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जब किसी देश की सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम हो जाती है तो वो अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर लेती है, यानी कि जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है उसका मूल्य घटा देते हैं और विदेशी मुद्रा को संग्रहित करा जाता है, ठीक है। जब किसी देश को अपना निर्यात बढ़ाना हो और आयात घटाना हो तो मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, यानी कि मूल्य को हटा दिया जाता है। और अर्थशास्त्रियों, बहुत सारे अर्थशास्त्री, इन्होंने इसे जे कर्व कहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जे कर्व, जे कर्व क्यों, क्योंकि देखिए यहां से निर्यात तो घटेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए निर्यात नीचे जाएगा परंतु एकदम से कैसा होगा, जंप करेगा ऊपर, फिर से एकदम से निर्यात बढ़ जाएगा, इसलिए जे आकार बना लेता है, इसलिए जे कर्व कहा गया है। भारत में क्या हुआ, देखिए 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, 1948 में, 1966 में, 1991 में, सबसे ज्यादा आर्थिक संकट के कारण थे ये, ठीक है। तो ये तो बात करें हमने, देखिए यहां पर किसकी, ये जो मुद्रा है यानी कि एक प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिए हमने बहुत सारी चीज यहाँ डिस्कस की है लिक्विडिटी से संबंधित, तो ये देखिए ये सारी चीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली है, ये आप देख सकते हैं पीछे लेक्चर में जाकर। तो थैंक यू दोस्तों लेक्चर को पूरा देखने के लिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, चैनल के पार्ट बनना है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपके पास में क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट करना
ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।